राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे भाई सब लोग? अच्छे? क्या प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे। कल मैं बस एक ही के साथ हम लोग मज़े कर रहे थे, है ना। आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, मुझे लगता है मंडे के बाद और भी आ जाएंगे एक साथ, है ना। चलो, तो हाउ वाज द सेशन ऑन येस्टरडे? कंपनी लॉ का सेशन आपने पहली बार अटेंड किया होगा मेरे साथ, है ना। हालांकि ईईटी में आपने बेसिक साइक लेक्चर पढ़ी लिया है, ठीक है। सामने मैं एक बार बच्चों को फिर से ना लिंक भेज देता हूँ, तो वो बेचारे बैठे रहेंगे। एक मिनट ना, तब तक के आप लोग अपना पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो वो ज़रूरी है आपके लिए। चलो, सबके पास है ना पेन पेपर? अभी फिलहाल तो कोई भी नॉर्मल ले लो, फिर मैं आपको आज बताऊंगा सारी बातें कि करना क्या क्या है, कितना बड़ा रजिस्टर लगेगा आपको, हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। हाँ जी। सो आपको ध्यान रखना है, कल हमने बहुत सारी बातें की थी, आपको याद होगा। कल बेसिकली हमारा क्या पर्पस था? वी अंडरस्टूड द थ्री वर्ड्स, है ना। KYC, दैट इज नो योर कोच, मैं कौन हूँ आपको बताने के लिए ज़रूरी था मुझे। हालांकि कुछ बच्चे जानते हैं मुझे ईटी से, बट फिर ईटी में मैंने क्या पढ़ाया था? करंट अफेयर। तो वो तो खैर पर्पस नॉर्मल एक पढ़ा दिया था, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट, मैंने तब भी बोला था वो कई बार, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मेरा एक्सपर्टीज हमेशा से ही किस पे रही है? कंपनी लॉ में। और कल आपको मैं समझा दिया कि जितनी आपकी एज है उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इतने साल मैंने कंपनी लॉ में काम किया है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ काम किया है, और आपको कल भी एक हल्का सा झलकी मिल गई होगी कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले। जैसे एग्जाम्पल, आपको वो केस लाओ याद होगा, कौन सा वाला? मेरा वाला, कि अगर मुझे डायरेक्टर बनना है किस कंपनी में, तीन पब्लिक कंपनी में, तो आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है? दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप लॉ को पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया लिख दो, या तो आप क्या करो, एक्सपर्ट एडवाइस दो, है ना, कि एज पर माई ओपिनियन ये होना चाहिए। और आपको शायद पता होगा अच्छे से कि एज अ सी एस हमको क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि हमको एडवाइस करना आना चाहिए। कल जाते हैं, आपको मैंने पेपर भी दिखाया था, पेपर देखा था आपने, क्या था पेपर हमारा? पेपर कैसा था? मतलब एप्लीकेशन बेस्ड पहला, दूसरा पेपर के पेजेस थे टोटल 11। क्यों 11 पेजेस थे? क्योंकि द क्वेश्चन वॉज, वन क्वेश्चन इज फॉर हाफ पेज, इफ यू कंपेयर इट विद JIGL और SBC और फॉर दैट अदर मैटर, बाकी सबके पेपर, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी पेपर ईजी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, है ना। जैसे आपको मैडम ने भी शायद JIGL में समझाया होगा, आज ही मैं मैडम को एक लेक्चर देख रहा था, मैडम बोल रही थी कि 2A और 2B में ऐसे मिक्स कर देंगे कि नहीं है, तो वो गेम खेलेंगे आपके साथ JIGL में, बट क्वेश्चन स्ट्रेट रहेगा। ये आपने देखा भी होगा मैडम के पेपर पैटर्न में, हमारे कंपनी लॉ में पेपर स्ट्रेट ही नहीं रहेगा, आंसर इजी रहेंगे। कल के मैंने वो दो तीन केस भी बताई थी, है ना, बट वो केस इजी रहेगा नहीं, केस इजी रहेगा, तब पूछने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, थोड़ा ट्रिकी रहेगा, ट्रिकी, टफ भी नहीं बोलना है और इजी भी नहीं बोलना है। कंपनी लॉ टफ और इजी नहीं है, कंपनी लॉ बीच का है, बीच का मतलब कॉम्प्लेक्स है, हाँ ट्रिकी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा चीज़ जो कि बहुत उलझी हुई है, अगर आप उसको सुलझा पाओ तो बहुत ईजी होगा, नहीं सुलझा पाए तो वो और उलझ जाएगा। जैसे कभी सबके घर पे पता है, सबने वो मांझा देखा होगा, पतंग के लिए मांझा होता है या धागा होता है, अगर धागा एक दूसरे में उलझ गया, है ना, मराठी बोलते हो अपन की गुंतुन के लेते, तो वो उसको निकालना फिर पॉसिबल नहीं है। बट आप बड़े बुजुर्ग थे तो आप दादी दादी को या मम्मी को, वो आराम से बैठ के क्या करेंगे, निकाल लेते, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो खोल सकते हैं। और हम लोग उसको और क्या कर देंगे, जम्बल अप करके इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि वो निकलेगा नहीं। वैसे कंपनी लॉ भी है, अगर समझ गए तो कंपनी लॉ बहुत ईजी, नहीं समझ पाए तो फिर लोग बोलते हैं सर कि बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट है ये, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में सबसे बड़ा सब्जेक्ट कंपनी लॉ है। मैं बड़ा मतलब पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल वाइज भी है, डेप्थ वाइज भी, ठीक है ना। तो ये हमारा लेवल ऑफ कोर्स रहने वाला है, इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। फिर कल हमने सब्जेक्ट भी देख लिया था अच्छे से पूरा, देखो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया था कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या मांगता है आपसे, वर्किंग नॉलेज, है ना। वर्किंग नॉलेज का मतलब होता है जब एक प्रोफेशनल बन के आप क्या करो, किसी कॉर्पोरेट में वर्क करो, तो आपका काम क्या रहेगा, है ना। तो वो उस तरफ से था। सबसे पहले हम लोग चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, बेसिक्स, जो थोड़ा बहुत आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, ईटी में। जैसे आपको टाइप्स ऑफ कंपनी याद होगी, है ना, ओपीसी को याद है क्या? अच्छा, ओपीसी में क्या होता है बताओ तो ज़रा, जिसको याद है। नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। ओपीसी, यहाँ पे भी कोई बंदा बोलेगा ओपीसी मतलब 1%, 1% हम भी सब जानते हैं। ओपीसी का बेसिक रूल बता सकता कोई? ओपीसी कौन बना सकता है ना, बता। ओपीसी में कितने लोग रहते हैं, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, ये सब तो ठीक है, ओपीसी बनाता कौन है? तीन रूल्स है, आपको याद है क्या? तीन रूल्स होते हैं। पहला, ओपीसी बनाने वाला कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। दूसरा, ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन। और तीसरा,
शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज, 120 दिन के लिए, है ना, ये रूल है। एक बार अपन चलो काम करते हैं, ऑनलाइन भी गूगल से भी देखते चलेंगे, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। कॉपी सी सेक्शन इन कंपनीज एक्ट, चलो प्रैक्टिकल देखते हैं, मैं आपको कुछ समझाता भी हूँ आज, हम वो लिख के भी देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। ये हमारा ओपीसी हो गया, है ना, फुल फॉर्म ठीक है, एक बंदा मेंबर होगा, ये सब तो ठीक है। मेन चीज पे आता है ना, लेट से यहाँ आते, चलो ये हमारा रूल है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, है ना, कौन बनाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। विच मेंबर कैन बी इनकॉर्पोरेट ओपीसी, है ना, हु इज एलिजिबल, देखो फटाक से देखो कौन एलिजिबल हो सकता है ओपीसी बनाने के लिए, ऑनली नेचुरल पर्सन, सिटीजन, इंडियन सिटीजन, तीसरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हो गया आपका थ्योरी, ये अपन लॉ में पढ़ेंगे भी आगे जाके, ठीक है, सबको कवर है ऑनलाइन वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, डेविड वार्नर, सबको पता ही है ना, डेविड वार्नर ही इज स्टेइंग इन इंडिया फ्रॉम 210 डेज। डेविड वार्नर इंडिया में कितने दिन से रह रहा है, 210 दिनों से। और डेविड वार्नर को इंडिया में क्या बनानी है, एक ओपीसी बनानी है, ओपीसी बनानी है। डेविड वार्नर इंडिया में कब से रह रहा है, 210 दिनों से, 210 डेज से डेविड वार्नर इंडिया में रह रहा है। पता ही होगा आपको भी, वर्ल्ड कप खेला, अभी मैच चली रही है, फिर आईपीएल भी होगा, तो ऐसे करते करते डेविड वार्नर इंडिया में 210 दिनों से रह रहा है। डेविड वार्नर कौन है, नेचुरल पर्सन है, और इंडिया में 210 दिन से रह रहा है, मतलब मोर देन, क्या डेविड वार्नर आपके पास आता है, सोहम के पास आता है, किसी के पास भी, अपने आप को रख लो, आता है बोलता है कि सर मैडम मुझे क्या बनानी है, ओपीसी। अब आप उसको क्या बोलोगे, एज पर सेक्शन 262, बोलता नहीं सर लॉ मत फेंको, ये बताओ मैं ओपीसी बनाऊं कि नहीं बना सकता। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ इतना बताइए, बना सकते हैं नहीं बना सकते, और ये बाद में अपन देखेंगे रीज़न, अभी रीज़न कोई मत बताओ, अभी सिर्फ इतना सोचिए, बताओ जो भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप सुनो अच्छे से और मुझे इतना बताइए, क्योंकि एमसीक्यू था आपका ईटी में, तो गोला मारना था आपने। ओपीसी में कितने मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4, टिक कर दे, एक मार्क, एक एक मार्क्स मिल गया, पास भी हो गया आप। अब एग्जीक्यूटिव में ऐसा, और आपको थोड़ा बहुत डेमो, जितने लोगों ने ग्रुप टू किया उनको डेमो मिली गया है कि लेवल कितनी डेप्थ में जाती है, तो कंपनी हो तो उसका भी और एक लेवल आगे जाता है। हाँ जी, तो क्या लगता है डेविड वार्नर ओपीसी बना सकता है क्या, नहीं? सबका आंसर नहीं है, किसी का भी आंसर है, यस कोई है, कोई तरीका? मानसी बोलती है नो, मधु बोलती है नो, मिताली बोलती है नो, मेरे क्लास में भी जितने बच्चे बैठे सब लोग नो बोल रहे हैं। क्यों नो बोल रहे हैं? तीन में से दो चीज़ें टिक हो गई, कौन सी, नेचुरल है, रेसिडेंट भी है, ये टिक नहीं हो रहा, और बिकॉज ऑफ दिस ये मैच नहीं हो रहा है, और ये बंदा ओपीसी इंडिया में नहीं बना सकता, बात खत्म हो गई। अब इसमें एडवाइस क्या कर सकते हैं आप उसको, अब देखो क्वेश्चन है, देखने लायक, दिमाग लगाते हैं, कितने लोगों को आसान लगता है आंसर, क्या एडवाइस क्या करो डेविड वार्नर को, क्या बोल सकते हो कि ओपीसी बनाने का कोई चांस है कि नहीं है, कोई चांस है? जैसे कल का एग्जाम्पल आपको तुषार पहाड़े को आपने एडवाइस क्या दी थी, कि आप एक कोई पब्लिक कंपनी छोड़ते हो तो आप दूसरी पब्लिक कंपनी में जा सकते हो, है ना, ऐसा एडवाइस आपसे डेविड वार्नर एक्सपेक्ट करेगा, तो व्हाट एडवाइस यू कैन गिव हिम, छोड़ के इंडियन ले लो, तो वही मेरे को मालूम, मैं वही जानना चाहता था, कोई बंदा ये बोले, पर क्या ये बहुत ईजी है क्या? हाँ, मतलब देखो आप जो एडवाइस भी दो वो सोचने वाली बात है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन छोड़ दे, इंडिया का नागरिक बन जाए, पर बन जाए मतलब उसके हाथ में थोड़ी होता है, गवर्नमेंट ने उसको अगर नागरिकता नहीं दी तो प्रायर अप्रूवल लगता है, तो कहने का मतलब इतना आसान भी नहीं है। हालांकि एक लाइन लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ही कैन बी इनकॉर्पोरेट ओपीसी, अदरवाइज इफ यू डोंट बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया देयर इज नो स्कोप ऑफ डेविड वार्नर टू बिकम अ मेंबर ओ पी सी और इनका भी इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल लिया हूँ, ईटी वाला ही लिया हूँ, ओपीसी वाला, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं अभी आपके सामने, आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था मैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस यही मुझे बताना था जो हमने कल देखा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में पहले वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। दूसरा होता है, फिर हम लोग बात करेंगे लीगल स्टेटस के बारे में, मतलब कंपनी का स्टेटस कैसा है, जैसे आपने पढ़ा होगा ओपीसी, नहीं सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फिर एचयूएफ, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोसाइटी, एलएलपी, ये पांच छह टाइप की क्या होती है बिजनेस एंटिटी। इन सबसे बेहतरीन कौन है, कंपनी। क्यों कंपनी है, इफ यू कंपेयर विद सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है सोल प्रोप्राइटर में मेंबर एक ही होता है, अच्छा वो तो ओबीसी में भी होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, वो अगर मेंबर मर गया अकेले तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ओपीसी कंपनी में ऐसा नहीं होता, तो ये एडवांटेज है। तो क्या फीचर्स है, क्यों कंपनी हमारे लिए बाकी सब इस बिजनेस से अच्छी है, यूनिक है ना, वो देखेंगे। फिर कल आप सबने देखा होगा एमओए, वैसे तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ईटी में, बाकी आपको मैंने कल रिलायंस का दिखाया था, रिलायंस का छोड़ो हर कंपनी का क्या होता है
मेमोरेंडम आर्टिकल। सर व्हाट इज एमओए, एओए क्या लगता है आपको क्या होता होगा? बुक से वो छोड़ दो, एक आसान भाषा में मिनट से बहुत अलग हो गया, वो तो मीटिंग का होता है। रूल्स रेगुलेशंस, हाँ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम क्या होते हैं? ऑनलाइन वाले भी बताए प्लीज, आपके हिसाब से क्या लगता है आसान भाषा में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी? डिसीजंस, ओके डिसीजन, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन मीटिंग में क्या करते होंगे? एजीएम में क्या होता होगा जो इन्होंने बोला कि विशाखा ने कि मिनट्स बनते, मिनट्स तो बाद में बनेंगे मीटिंग के। आसान भाषा में एमओए की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल एक सर्कल ले लेता हूँ। एमओए बताता है कंपनी किस हद तक काम करेगी, कंपनी कौन से काम करेगी, कहाँ काम करेगी, ये क्या बनता है एमओए। एमओए, एमओए का मतलब मेमोरेंडम। जैसे अभी अच्छा एक और चीज़, क्या तुषार पाड़े का कोई एमओए है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बींग हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं खुद साके आपके सामने बोल सकता हूँ तुषार सर अच्छे है बुरे है, बहुत अच्छे बहुत ही घटिया है, आपको क्या बनाना है मेरे बारे में ओपिनियन, वो आप कैसे बनाओगे? पेपर पढ़ के कि मुझसे इंटरेक्ट करके, क्योंकि मैं इंसान हूँ ह्यूमन बींग हूँ। बट एक कंपनी क्या काम करती है ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? कौन बोलेगा? कंपनी खुद बोलेगी क्या? नहीं सर कंपनी पर्सन है सर। अरे हाँ पर्सन है, कौन सी पर्सन? तो कंपनी खुद नहीं बोलती, उसका पेपर बोलता है। तो एक डॉक्यूमेंट होगा जो क्या बताएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या आता है? जैसे टाटा स्टील, टाटा स्टील मतलब क्या करती है? टाटा स्टील बनाती है, और स्टील मतलब क्या बनाती है ये भी आपको समझ में आएगा नहीं। स्टील मतलब क्या? स्टील की बाल्टी बनाती है क्या, चम्मच बनाती है? स्टील मतलब क्या होता है सर? आपको आप अटक जाएंगे, आप बोले सर ये तो हमें सोचा ही नहीं, हमको इतना मालूम है टाटा स्टील, आगे क्या? वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको एग्जैक्टली स्टील मतलब क्या? कंपनी कित तक लेवल तक काम करती है? क्या कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है कि अब्रॉड में एक्सपोर्ट भी करती है? क्या वहाँ से कोई माल इम्पोर्ट भी करती है क्या? ये सब करने की ताकत कौन देता है उसको? एमओए। ये बनाता है एक हद, हद का मतलब एक बाउंड्री समझते हो, बोलते ना हद में रहो, बाउंड्री में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपने लिमिट्स में रहो, अपने रेंज में रहो। आप एक कंपनी का एक लिमिट है, मैं कितने बजे क्लास में आया, क्यों उसके पहले क्यों नहीं आया, मेरा टाइम नहीं है, मेरा लिमिट्स नहीं है, मैं नहीं आ सकता 12:30 बजे के रास्ता, सर चलो बाहर मैं अभी अंदर आ। अरे नहीं सर, रास्ता का टाइम है 12:45 तक का, मेरा टाइम है 1 बजे का, और मैं 1 बजे के पहले यहाँ पे खड़ा था, और ऐसे ही होगा। सलीम सर का क्लास आपने पहले भी किया हुआ है, टाइम मतलब टाइम, तो वो हम मैं भी फॉलो करता हूँ, जो टाइम वो टाइम, बट उसके आगे जाना मतलब किसी और के हद में घुस रहे आप, गलत कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी कैसे काम करेगी, कितना लेवल तक काम करेगी, ये कौन बताता है? उसका आर्टिकल, मेमोरेंडम, कंपनी बाहर वालों के लिए, और अंदर उन्हीं कंपनी के मामले कैसे होंगे ये कौन बताता है? आर्टिकल। तो मेमोरेंडम क्या बन जाएगा आपका, ठीक है शॉर्ट में लिख लो आप, एमओए एओए दोनों में क्या हो गया? एमओए कौन सा डॉक्यूमेंट हो जाता है एक तरह से? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, और एमओए बन जाता है इंटरनल। सर क्या फर्क हो गया दोनों में? एमओए मतलब एक्सटर्नल, मतलब किसको जानना जरूरी है? एक आउटसाइडर को। जब भी एक आउटसाइडर किससे डील कर रहा होता है? कंपनी से। उसको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी का एमओए क्या है, कंपनी किस हद तक काम करती है, कंपनी के रेंज क्या है ना? कुछ किसी को याद है कि कंपनी के एमओए में क्या क्या क्लॉज होते हैं? थोड़ा बहुत तो याद होगा, हल्का फुल्का सा भी टुकड़ा टुकड़ा भी चलेगा। कंपनी के एमओए में क्या क्या लिखा जाता है, क्लॉजेस कुछ याद है किसी को? नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, मतलब रजिस्टर ऑफिस क्लॉज बोलता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऐसा कुछ रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से बाद में। तो एमओए टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब वापस समझाता हूँ, आप जब इंस्पायर से बात करने आए तो आपको क्या जानना जरूरी है? कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगी, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। बट मुझे बताओ जो भी आप फीस दे रहे हो उसका कितना हिस्सा मुझे मिलता है, ये जानने का आपको जरूरत है क्या? ये आपको जानने का अधिकार है भी क्या? नहीं है। ये कौन से मैटर है? पर्सनल से मतलब लॉ की भाषा में बात करें तो इंटरनल मैटर है। ये हमारे अंदर के राज सर, मयूर सर, तुषार सर, सलीम सर, श्रीकांत सर, शुभम सर, स्वामी मैडम, सबके क्या बने हुए हैं? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ही बने हुए हैं जो हमको पता है। तुषार सर आप ही लॉ क्यों लेते हो सर, कंपनी लॉ? मयूर से क्यों लेते नहीं है? मयूर से क्यों SBC लेते सर, आप क्यों लेते नहीं है? ये हमारा मैटर है, आपको बताया तुषार सर लॉ पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपको डिसाइड करना है। बट ये नहीं पूछ सकते सर आप क्यों, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपको एक MOA में क्या दिखाया जाएगा? तुषार सर का टाइम है 1 बजे का, ऐसा ऐसा होगा, और ये फीस इतनी है। ये हो गया आउटर डॉक्यूमेंट। अच्छा तुषार सर CS है, ठीक है हम लगाते हैं एग्जांपल। सर आपने CS क्यों किया, सर ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों नहीं किया, मतलब ये आपका पूछने का मस्ती वगैरह में पूछ सकते हो, लेकिन हक नहीं है आपका जानने का, हक राइट, क्योंकि एक आउटसाइडर हो आप, है ना?
तो आपको एज ए एक्सटर्नल पर्सन क्या जाना चाहिए, मेमोरेंडम, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के बिजनेस के पर्पजेस क्या है, कंपनी जब आईपीओ आता है, सुना होगा आपने आईपीओ सबने अच्छे से, और आप तो जो लोग ग्रुप टू के उनको तो बहुत ढंग से बताएं, ICDR LODR, आईपीओ आता है, पब्लिक इशू आता है, तो पब्लिक इशू में बहुत सारा पैसा रेस करते हैं वो लोग, वो पैसों का क्या करने वाले हैं, क्या जानने का अधिकार है कि नहीं आपको? बिल्कुल है सर, बिल्कुल जानने का अधिकार है। तो आपको अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन वो कौन से डॉक्यूमेंट में? एक्सटर्नल में। इंटरनल भी कुछ बातें होती है सर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल की कितनी फीस आई वो मालूम है आपको, उस फीस से किसको कितना मिलता है वो नहीं बताया आपको ब्रेकअप में, और ना बताया ना बताएंगे, आपको कोई मतलब नहीं है। किसका क्या हिस्सा है हम देखेंगे, कितना हम लोग क्या बोलते हैं मीटिंग में डिस्कशन क्या करते हैं, हमारी मीटिंग होती है हर हफ्ते, उसमें क्या होता है ये हमारी मर्जी है ना, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। युवराज ने कुछ गलत आंसर दिया, मैं क्लियर कर दूँ युवराज को आपको। MOA में कितने क्लॉज होते हैं बोलता है? 7। नहीं, कितने क्लॉज होते हैं MOA में? एनिमल लूज, किसी भी पता है, अभी जब इसने ना बात निकाल ली तो मुझे लगता है आपको दिखाना जरूरी है ना, कोई भी कंपनी आप बताओ कौन सी कंपनी का MOA देखना चाहेंगे आप? इतना पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आसान से चुटकी में घड़ी देख के आप 5 सेकंड में निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं, आपसे नाम बताओ फट से। इन्फोसिस देखें, इन्फोसिस ठीक है, इन्फोसिस मेमोरेंडम आर्टिकल, इतना मैंने क्लिक किया, पहला बटन दबाया और सामने में मेमोरेंडम खाली है, 5 सेकंड में ज़्यादा बोल दिया मैंने, सामने MOA है, इतना खतरनाक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी चीज़ आप पब्लिकली कभी भी देख सकते हो बड़े कंपनी की, है ना, देखो सामने में इंफोसिस का MOA है, ठीक है, ये उसका सर्टिफिकेट इंकॉर्पोरेशन जो कल दिखाया था मैंने आपको, फिर मैंने आपको कल दिखाया था रिलायंस का, आज इंफोसिस देखिए, इससे मैंने तो इंफोसिस बोला क्योंकि रिलायंस कल देख ही लिए थे हमने। हाँ, और इसमें देखो सबसे पहले क्लॉज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, पहला होता है नेम क्लॉज, नाम क्या कंपनी का, जो भी नाम लिखा है सामने, दूसरा होता है रजिस्टर ऑफिस, कंपनी कहाँ बनी है, स्टेट ऑफ कर्नाटका में, है ना, यह कहाँ पे है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में ऑफिस, ऑफिस तो इंडिया भर में भी इन्फोसिस के, इन्फोसिस किसने बनाई थी, साउथ इंडियन लोगों ने, उसमें से एक फेमस नाम को पता ही होगा नारायण मोदी साहब, और बाकी भी और लोग हैं तो सब साउथ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कंपनी बनी थी बेंगलुरु में वहीं पे, बट बेंगलुरु लिखते नहीं, क्या लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं, मतलब कर्नाटका से बेटर वर्ड स्टेट, अगर कंपनी मुंबई में होंगे तो क्या लिखा जाएगा, कंपनी अगर गुजरात सूरत में है, गुजरात जयपुर में, राजस्थान, स्टेट लिखते हैं, सिटी नहीं लिखते, ये रूल्स है, मैं आपको मतलब डेमो के साथ साथ आपको मैं डिटेल में समझा, मतलब आपको अच्छे से याद रहेगा, अरे वाह सर इतना आसान है, नेम हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्टेट, सबसे मेन आता है थर्ड क्लॉज जिसका नाम है कंपनी किसके लिए बनी है, इन्फोसिस, मतलब क्या लगता है आपको नाम से, हाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी, मतलब क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर का मतलब ऐप बनाती होंगी क्या, एकदम शांत हो गया आपकी आवाज़, क्योंकि गलती आपकी नहीं, आपको हमको क्या मालूम सर, वो तो इन्फोसिस से पूछो आप, हम क्या बैठ थोड़ी रट्टा मार के बैठे हैं इन्फोसिस का MOA का, नहीं बट आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि वो क्या करते हैं, और एक नहीं सर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते उनके 36 क्या है ऑब्जेक्ट है, रोमन नंबर 3 जो था ना पहले, रोमन नंबर 1 नेम, रोमन नंबर 2 एड्रेस मतलब रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, रोमन नंबर 3 ऑब्जेक्ट, उसके अंदर में 1, 2, 3 वो करके 36 आया, फिर आता है रोमन नंबर 4 कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, सुना होगा लाइबिलिटी थोड़ा बहुत आपने, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी इनकी है लिमिटेड, पांचवा होता है कैपिटल क्लॉज, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा कंपनी बिजनेस किससे करेगी, पैसों पे, और पैसा कहाँ से आएगा, मेंबर से, उसमें थोड़ा कुछ नाम सुने होंगे आपने, ऑथराइज कैपिटल, और क्या क्या नाम सुने आपने, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल सबसे आखिरी में आता है, पहले ऑथराइज इशूड, फिर लोग क्या करते हैं शेयर्स के लिए सब्सक्राइब, वेरी गुड, फिर हम पैसा मांगते इंग्लिश में कॉल मनी, कॉल्ड अप कैपिटल, और फिर लोग पे करते हैं पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड, ऑथराइज का मतलब जितनी मेरी कंपनी की ऑथोरिटी है, इशूड उसमें से मैंने कुछ अमाउंट लोगों को बोला सर अरे लेंगे क्या, उसमें से मान लो सब ने लिया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं लेता सर, तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी सब ने सब्सक्राइब, सब सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हाँ सर, फिर मैंने बोला चलो 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 पैसे दो, 10 रुपये का शेयर है 7 रुपये दो, 8 रुपये दो, चलो 8 रुपये दो, 8 रुपये दो, सब में 6 रुपये तो चलेगा क्या, चलते थे 6 रुपये थे चल, बाकी 2 रुपये कहाँ डालता हूँ मैं, अनकॉल्ड अनपेड मतलब कॉल सीनेरियस थोड़ा बहुत बड़ा होगा, तो पेड अप 6 रुपये दिए 6 रुपये दिए जमा किए, और टोटल अमाउंट क्या बनती है पेड अप कैपिटल, तो ऑथराइज्ड इशूड कॉल्ड अप सॉरी सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप, तो ये जो कैपिटल है वो कौन सा ऑथराइज कैपिटल, कैपिटल क्लॉज पांचवा, और सबसे आखिरी में क्लॉज कौन सा होता है, छठा क्लॉज जिसका नाम होता है सब्सक्राइबर क्लॉज, सब्सक्राइबर का मतलब होता है जिन्होंने कंपनी को बनाया था, पेरेंट्स, जैसे यहाँ पे मेजर लड़कियाँ बैठी हुई है ना,
अब समझो बात, जैसे आप इंडियन कल्चर में रहते हो, शादी होगी आप लोगों की कभी ना कभी, जब शादी होगी आप जाएंगे किसी फैमिली में जहाँ पे, वहाँ पे आपका नाम बदल सकता है, सरनेम बदलेगा, बट फादर का नाम वो कभी नहीं बदलता। बात समझ रहे हो, फादर का नाम नहीं बदलता है। आप बड़े हो के कुछ भी कर लो, अपना नाम चेंज कर सकते हो। कोई लोग आजकल न्यूमरोलॉजी में वो अपना एस घुसा देते हैं नाम के अंदर में, एच हटा देते हैं, पी घुसा देते हैं, कुछ करते हैं न्यूमरोलॉजी में, दो तीन नाम है, जो करना है करो सर। कैन यू चेंज योर फादर्स नेम, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, माँ बाप ने। माँ बाप का नाम बदलता नहीं है, भले कुछ भी बदल दे दुनिया में, माँ बाप का नाम नहीं बदलता। वैसे ही कंपनी के माँ बाप कौन, कंपनी को पैदा किसने किया, उसके प्रमोटर्स ने, क्या बोलते उसको हम लोग, सब्सक्राइबर। प्रमोटर का नाम बदलता नहीं है। किसका नाम है अभी भी कंपनी में, नारायण मूर्ति, दिख रहा है आपको, नागवरा राम राव नारायण मूर्ति, ये नाम है। और भी बहुत सारे नाम है, इसमें एक बहुत फेमस नाम है नंदन नीलकणी, जो आज भी डायरेक्टर है ना, सेनापति गोपाल कृष्णन और ये नंदन नीलकणी, इन चार लोगों ने मिलकर कंपनी कब बनाई थी, 15 जून 1981 को, 32 साल पहले। तो ये सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, एमओए क्लॉज, 6 क्लॉज होता है। पहला नेम, रजिस्टर ऑफिस या एड्रेस जो भी बोलना है। तीसरा ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या बिजनेस करती है। चौथा लाइबिलिटी, पांचवा कैपिटल, छठा ये, 6 क्लॉज होते हैं, न 5 न 7 ऑप्शन बिल्कुल। और ये सीख जानना जरूरी है आउटसाइडर को, आउटसाइडर को, ठीक है, लिख लो फटाक से आप एमओए के क्लॉजेस क्या क्या है ना, क्लॉजेस ऑफ एमओए लिख लो, 6 क्लॉजेस ऑफ एमओए, शॉर्ट भी लिख लो फटाक से, 6 क्लॉजेस ऑफ एमओए, 6 क्लॉजेस ऑफ एमओए, क्या क्या लिखोगे अभी एमओए शॉर्ट वर्ड में लिख रहे अपन, बाद में थोड़ा धीरे धीरे फुल फॉर्म वगैरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या क्या क्लॉज देगा, सबसे पहले नेम क्लॉज है ना, नेम क्लॉज। दूसरा क्या हो गया, एड्रेस, बट आप एड्रेस लिख रहे हो लेकिन उसका नाम लीगली क्या लिखेंगे हम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये आपका इंग्लिश वाला वर्ड हो गया एड्रेस है ना, बट उसका लीगल मतलब क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस ऑफिस प्लेस पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। दूसरा, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी का, अच्छा ऑब्जेक्ट में भी नीचे में डैश मार के दो दिखा जैसे ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट जब लिखोगे ना इसके नीचे में ऐसे करो डैश डैश, पहला होता है मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इंसिडेंटल। सुनो अच्छे से, पहला लिख लो आप मेन, मेन ऑब्जेक्ट ऐसे, और दूसरा लिखो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, आई विल एक्सप्लेन यू क्या होता है ये मेन और इंसिडेंटल। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दो कैटेगरी आती है, देखो आप रिलायंस किसका देखिए, क्या इन्फोसिस का दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाया नहीं अच्छे से आपको, 1 देखा आपने, 2 देखा था, देखो क्या दिख रहा है आपको, थर्ड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, दिख रहा है आपको 3 में ए और बी करके आ रहा है, और ए में क्या लिखा हुआ है मेन, और बी में क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट विच इज इंसिडेंटल। आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल, इसको छोड़ दो, जैसे एग्जाम्पल हमारा इंस्पायर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, टीचिंग करना, ऑनलाइन लेक्चर्स लेना है, लेक्चर पढ़ाना। अब जो बुक हमारी बनती है ना, कोई भी बुक, एक बार ये बुक दिखाना नीचे वाली, जिसकी भी बुक है, कोई भी किसी फैकल्टी की बुक चलेगा है ना, एक बार बुक दिखा दो है ना, ये बुक है राजशक्ति की, FM की बुक है, ठीक है ना, ये बुक है ना। अब ये बुक आपको मिलती है, इसमें कोई प्राइस लिखा हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि ये बुक मार्केट में बिकती नहीं है। क्या हम ये बुक मार्केट में बेच सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत कवर पेज लगा के प्राइस भी डाल दिया तो मार्केट में बेच सकते कि नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, तो मार्केट में बेच सकते हैं, बेचते बराबर हम क्या बन जाएंगे, ऑथर ही बन जाएंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बुक बेचना मेन ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टीचिंग करना। बट ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ हो जाता है वो कौन सा कहलाता है, इंसिडेंटल। आई रिपीट एग्जाम्पल, हमने नोट्स बनाने के लिए, लेक्चर पढ़ाने के लिए क्या बनाई, किताबें बनाई। अच्छा इनकी बात तो मेरी बुक है, मैं तो ऐसे बुक दिखा, मेरी बुक दिखाता ना आपको, वेरी गुड, अच्छी बात है ना, ये देखो मेरी बुक, देखो भाई सब है ना, तो ऐसी बुक मिलेगी आपको, ये पार्ट ही है ऐसा, आपको दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी बुक है आपके पास में ऐसी, और ये बुक हम आपको देंगे। अब इस बुक में भी क्या मैं प्राइस में डाल दूँ, बढ़िया, मेरा थोड़ा सा चेहरा वेरा भी अच्छा दिखता है फोटो में, तो क्या मैं बेच सकता हूँ अच्छे से 1000 रुपये में बुक, तो मार्केट बिक जाएगी भाई। अगर मैंने बुक बेचना शुरू कर दिया तो मैं क्या बन गया, पब्लिशर या ऑथर बन गया, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्ट है गई, नहीं, पर हमने लगियात क्या कर लिया, इसको अचीव कर लिया, नहीं अचीव कर लिया। और एक देता हूँ आपको, जो कंपनी शुगर मिल वाली, शुगर फैक्ट्री वाली, जहाँ पे शुगर मैन्युफैक्चर होता है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, नाम देता हूँ आपको, एक बहुत फेमस सी कंपनी है रेणुका शुगर करके, इसका मार्केट में नाम भी बहुत अच्छा है रेणुका, देखो ये श्री रेणुका शुगर है ना, इसका शेयर प्राइस वगैरह भी देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ना, शेयर प्राइस मतलब ये कंपनी का प्राइस है जो भी है, ठीक है ना। अब ये रेणुका शुगर कंपनी का काम क्या होगा आपको बताओ, सोचो बताओ, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब क्या करती होगी, ये गन्ने लेती होगी,
गन्ने को क्रश करते हो कि गन्ने भी कितने लेते हो, 2-5 लाख गन्ने में होता होगा, मतलब इतना तो गन्ने के जूस वाले बेच देता है महीने भर में। सोचो गन्ने की फैक्ट्री, टन्स ऑफ टन्स, मतलब करोड़ों अरबों गन्ने लोग क्रश करते हैं और उसे जूस निकाल के क्या बनाते हैं, फिर शुगर बना के बेचते हैं। इनका काम क्या है, शुगर बनाना। बट जब ये गन्ने क्रश करते हैं तो गन्ने क्रश करके जो भूसा बचता है वो भूसा क्या करते हैं लोग, करोड़ों गन्ने का भूसा फेंक देते होंगे क्या? क्या लगता है कोई, जो पेपर बनता है, ये पेपर बनने के लिए क्या यूज़ होता है, वो गन्ने का भूसा, उसको अगर जला दिया जाए तो इट्स ए वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ कोल। थर्मल पावर स्टेशन में, थर्मल पावर प्लांट में आग कैसे जलती है, कोयले को जला के, पर कोयला कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, खत्म हो रहा है, बहुत स्केयर्स रिसोर्स है। उसी जगह पर अगर हम लोग क्या जलाए, वो भूसा, गन्ने का भूसा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बगास, बगास, अगर वो जलाए तो इट्स अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ कोल। और इससे क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हमने एक काम के साथ साथ, अगर मान लो शरीर को शुगर, वैसे तो क्या बना रही है, शुगर है ना, इन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई अपनी, है ना, फैक्ट्री बनाई, और यहाँ पे ये एक जगह पे क्या बनाते हैं, गन्ने बना, गन्ने का शुगर क्या क्या करते हैं, क्रश करके जूस बना के क्या बनाते हैं अपना, शक्कर। बट ये बाजू में क्या शुरू कर दिया इन्होंने, एक पावर प्लांट डाल दिया, पावर प्लांट, और वहाँ पे क्या शुरू कर दिया इन्होंने, सोचिए ज़रा सा, दे ऑल्सो स्टार्ट बर्निंग दिस बगास, बगास मतलब वो जो गन्ने की भूसा बताया मैंने आपको, उसको बढ़िया जलाया, और उसके जलाने से क्या बनने लग गया, पावर जनरेशन, या फिर वही गन्ने के भूसे को क्या यूज़ किया, पेपर बनाने में, जिस पेपर पे आप, क्योंकि आप मुझे बता पेपर कैसे बनता है, वैसे बता पेपर किससे बनता है, वुड से, है ना, मतलब पेड़ों से बनता है। तो पेड़ गन्ने को भी क्रश करने के बाद जो उसका भूसा बचता है उसको भी थोड़ा प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, पेपर, है ना। तो ये हो गया काम ऑप्शन नंबर थ्री। अब जब गन्ने के जूस को निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, छानते हैं, छानने के बाद बचता है ऊपर में झाग, वो झाग को क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, उसे पता क्या बनता है, एनिमल नोज, अल्कोहल, शराब बनती है। जैसे शराब किससे बनती है, नॉर्मली अंगूर से बनती है, वाइन, है ना, वीट से बन जाती है, बियर, मतलब शराब बनती भी किससे, वैसे भी फ्रूट से या इसी चीज, उसको सड़ाना पड़ता है, बस इतना ही है। तो गन्ने के भी ऊपर के जो फ्रॉथ होता है उसको सड़ा दिया तो इट कैन बी वेरी गुड रिसोर्स फॉर रॉ मटेरियल फॉर अल्कोहल, अल्कोहल बनाने का रॉ मटेरियल। तो अगर इस कंपनी ने बाजू में क्या बनाना शुरू कर दिया, अल्कोहल भी, किससे बनाती है अल्कोहल, ये गन्ने के जूस से निकला हुआ ऊपर का फ्रॉथ। मेरा सिर्फ इतना लंबा एग्जाम्पल देने का एक ही मोटो है, इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बट ये दो ऑब्जेक्ट बताया मैंने, कौन से, एक बड़ा सा वो पावर प्लांट डाल के आग जनरेट करके क्या बनाना, को नहीं, कोल कैसे बनाएंगे भाई, एनर्जी जनरेट, कोल कैसे बनाएंगे हैं भाई साहब, कोल का रिप्लेसमेंट बोला मैंने, कोल नहीं बना सकते आप, कोल जमीन से निकलता है, हाँ, कोल न जलाकर, फ्यूल न जलाकर आप क्या क्या जलाओ, ये भूसे को जलाओ, इससे आपने क्या जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी। या फिर वो पेपर को आपने कहाँ डाल दिया, पेपर सॉरी डाल दिया पेपर मशीन में, और उससे आपने पेपर बनाना शुरू कर दिया, वो काम करना शुरू कर दिया, या तो फिर आपने, मैंने बताया आपको, अल्कोहल वाला बिजनेस शुरू कर दिया। क्या ये रेणुका शुगर का अल्कोहल वाला बिजनेस मेन ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं, बट ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, क्यों इंसिडेंटल, जो काम कर रहे थे वो काम करते करते लगे हाथ दूसरा काम हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मेरा नोट्स का एग्जाम्पल याद करो, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अच्छा, अब ये नोट्स प्रिंट कहाँ होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में, हमने प्रिंटिंग प्रेस डाल दी अपनी, एक कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा, मेन में आएगा कि इंसिडेंटल में आएगा, प्रिंटिंग करना हमारा काम है, लेकिन अगर हम किसी वजह से प्रिंट कराते तो हमको बहुत महंगा पड़ता है, हमने खुद का क्या चालू कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस, हमारे प्रिंटिंग प्रेस में क्या प्रिंट हो रही है, नोट्स, वही बाइंड हो रहा है, आपको भेज देते हैं, मतलब दे देते हैं आपको, बढ़िया हो गया। कहने का मतलब है, मेन काम करते करते जब आप दूसरे काम करने लग जाओ तो क्या कहलाता है, ये इंसिडेंटल। ये जो आपको मैं दो एग्जाम्पल दिखाया ना इन्फोसिस के एग्जाम्पल में, ये ध्यान दो, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपने क्या लिखा अभी नीचे में, थर्ड ऑब्जेक्ट के नीचे में दो क्लॉज लिख दिए, मेन और इंसिडेंटल। अब आप चौथा लिख दो, चौथा तो वही था अपना, कौन सा, लाइबिलिटी, चौथा लाइबिलिटी लिख दो, पांचवा लिख दो कैपिटल। अच्छा, वेन यू राइट कैपिटल, कौन सा कैपिटल लिखोगे आप, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज का मतलब जिस कैपिटल से कंपनी ऑथराइज है, चौथे में लिखो लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवें लिखोगे ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये देखो है ना, दिख रहा होगा आपको, इसको स्पेलिंग देखना है अगर, ऑथराइज है ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल, वर्ड ऑथराइज, इंग्लिश वर्ड ऑथराइज मतलब जिस चीज़ की आपको क्या मिली, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब इतने रुपए कंपनी लोगों से ले सकती है, लेगी जरूरी है क्या,
इससे कम ही लेगी, ज्यादा नहीं ले सकती। मैंने बताया ना आपको एमओए क्या होता है, एक नहीं एक्सटर्नल तो है और एक 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 लिमिट बताता है, हर चीज की लिमिट बताता है। ये कंपनी कितने ऑब्जेक्ट कर सकती है, 36, क्योंकि 37 नया ऑब्जेक्ट करना है तो कर सकती है। नहीं, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि क्योंकि एमओए में लिखा नहीं है। क्योंकि एमओए कौन पढ़ता है, आउटसाइडर पढ़ता है, वो पढ़ के देखेंगे सर इसमें तो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। कल मुझे बताओ इंस्पायर अकेडमी अगर क्या बेचना शुरू कर दे आपको, वी स्टार्ट सेलिंग यू पेंट, एशियन पेंट जैसे होता है ना, हमने अपना पेंट बेचना शुरू कर दिया, क्या इंस्पायर अकेडमी एशियन पेंट बेच सकती है क्या? आंसर हाँ भी और ना भी है। हाँ कब है, मेमोरेंडम में चेंज करके, वो जो वर्ड था ना अपना, कौन सा वाला वर्ड आपके नोट्स में देखो, इसमें नोट्स में मतलब इस पे याद है, मैंने कल वर्ड दिखाया था आपको, क्या था उसका नाम, ऑल्ट्रेशन, है ना, ऑल्ट्रेशन इन एमओए एओए, मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या करना, ऑल्टर करना मतलब बदलाव करना, और बदलाव होता है, नाम बदलते हैं लोगों के, कंपनी का नाम बदलते हैं, ऑफिस बदलते हैं। अगर मेरी कंपनी अभी इंफोसिस कहाँ है, कनाडा कहाँ है, कैन यू शिफ्टेड टू गुजरात, यस सर मेरी मर्जी है, बट उसके लिए फिर फॉर्मूलेस है, वो अपन पढ़ेंगे, फॉर्मूला मतलब स्टेप्स वगैरह। ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने कल बताया भी था आपको शायद, कोविड में सबसे ज़्यादा कंपनी ने क्या चेंज किया अपने ऑब्जेक्ट, जैसे जो कंपनी फार्मास्यूटिकल में थी, जो दवाई बनाती थी, दवाई बनाती थी, 2020 के पहले इंडिया में मास्क और सैनिटाइजर कोई पूछता भी नहीं था, देर वॉज नो कंपनी विच वॉज यूज टू मैन्युफैक्चर मास्क। सैनिटाइजर तो बहुत कम होता था, मेरे को यहाँ तक अच्छे से याद है, अगर घर में बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल मिलने जाना है तो फिर क्या बस हाथ पे क्या लगा के जाओ बच्चे को, बाकी तो सैनिटाइजर को कोई पूछते ही नहीं था, कोई नहीं पूछता था 2020 मार्च के पहले, रातों रात कोविड आया एंड वी नीड अ सैनिटाइजर, और एक मतलब दो चार बॉटल सर करोड़ों में बॉटल चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ हर कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया मैन्युफैक्चर, बट कैसे करेंगे जब उनके एमओए में वो क्लॉज मास्क बनाना शुरू किया, रेमडेसिविर दवाई बनाना शुरू कर दी। ऐसे कहने का मतलब है कि हर काम आप कर सकते हो, आपके एमओए में होना चाहिए, है तो वेरी गुड, नहीं है तो क्या करिए, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओ, ये अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको आज इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, इस पर हम 15 दिन स्पेंड करेंगे अच्छे से, अभी समझाने में आपको मैं समझा रहा हूँ। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स है, टाटा मोटर का एग्जाम्पल लिखवा दे दे तो आप निकाल ही दिया, तो टाटा मोटर क्या बनाती है आपको क्या लगता है, कार, तो कार बनाती है मतलब क्या करती है, पूरी कार बनाती है टॉप टू बॉटम असेंबलिंग करती है। टाटा मोटर क्या करती है, सिर्फ मोटर बनाती, इंजन, टाटा कभी टायर नहीं बनाती। तो टाटा मोटर्स के मेन ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होगा, असेंबलिंग ऑफ कार्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर्स। अब अगर मुझे बताओ कि टाटा मोटर कल टायर बनाना शुरू करते, जो कि नहीं करती है, टायर किसके होते हैं, MRF, C8, अपोलो, ब्रिजस्टोन, JK, बहुत सारे, टाटा टायर सुना कभी, टाटा टायर्स नहीं है, है नहीं। अगर कल टाटा टायर शुरू करते बनाना, बना सकती है, अगर बनाते तो कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा इसके, नहीं ऑल्टरेशन तो करना पड़ेगा, मैं आप बोल रहा हूँ कौन सा ऑब्जेक्ट में आएगा, मेन आएगा कि इंसिनरेटर आएगा, क्योंकि टाटा मोटर के लिए टायर बेचना उनका मेन धंधा नहीं है, उनका मेन धंधा क्या है, कार बना के देना, बट कार बनाने के लिए क्या चाहिए, टायर, और टायर 5 चाहिए होते, कार में 4 लगे हुए और एक पीछे स्टेपनी वाला, 5 टायर चाहिए होते हैं। तो अगर एक टाटा मोटर अगर 10 करोड़ कारें बना रही है, 10 करोड़ कार बना रही है, तो 10 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 5, 50 करोड़ टायर चाहिए। अब 50 करोड़ टायर आप कहाँ से बाय करते हो, किसी जेके वेके से, तो वो महंगा बेचते हैं आपको, क्या टाटा दिमाग लगा रहे, फालतू कहाँ से किसी से लेना, खुद ही क्या बनाओ अपना फैक्ट्री शुरू करो, बाजू में फैक्ट्री चालू करो, बेचो टायर, खुद ही बनाओ टायर, रात तो रात टायर बना, अरे हाँ बनाओ ना टायर, मैं बोल रहा हूँ टायर बनाने के पहले प्लीज कहाँ लिख दो उसको, क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे, टाटा मोटर के नाम पे आप टायर बेचोगे तो लोग पगला जाएंगे, तेरी क्या धंधे कर रहे हो, लिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो। कल अगर इंस्पायर अकेडमी के नाम पे हम क्या करें, फिर लोग आएंगे इंस्पायर अकेडमी, लोग आया बोलते सर क्लास, मैंने क्लास लेगा, हम यहाँ पे बिल्डिंग बेचते हैं, तो लोग परेशान हो जाएंगे ना यार, ये मतलब करो बिल्डिंग बेचो, बिल्डिंग ही बेचो फिर, बट फिर अपने एमओए में लिख दो फिर, और नाम भी बदल दो अपना, इंस्पायर अकेडमी क्या करे हो, इंस्पायर कंस्ट्रक्शन कर दो, मना थोड़ी कोई किया है, पर नाम रखते इंस्पायर अकेडमी, बेचना क्या चाहते हो बिल्डिंग, तो इतना कॉमेडी मत करो, कोई लोग पकड़ा जाएंगे, और सब आदमी आप समान सीएस नहीं बन रहे होते, मार्केट में आधे मेजर लोग कौन है, एक आम जनता, उनको नहीं समझते इतना एमओए के बारे में, वो तो बेचारा किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो भुगतेगा बाद में, इसलिए एमओए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो एमओए हम लोग पढ़ेंगे, फिर विल अंडरस्टैंड अबाउट शेयर कैपिटल, मैंने बताया आपको जब कंपनी बन गई तो क्या आता है फिर कंपनी का मार्केट में, शेयर्स आते हैं, जैसे अभी आपको बताइए होगा टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर आईपीओ आया है ना, टाटा टेक्नोलॉजी है ना, कितने रुपए का आईपीओ आया सुना होगा आपने, इसका आईपीओ, ये वेबसाइट कभी भी देखना चित्तौड़गढ़ की, अपन आगे भी देखेंगे है ना, इसका तो प्राइस भी लिस्ट हो चुका है, देखो 3,000 करोड़ का आईपीओ आया, 3,000 करोड़ रुपये उन्होंने क्या किया मार्केट से,
रेस किए, क्या प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया था, प्राइस बैंड सुना होगा आपने, है ना, अपर प्राइस लोअर प्राइस, 500 रुपये के प्राइस पे लॉन्च किया था, क्या प्राइस पे खुला ये शेयर, 1200 1200, कुछ दिनों में प्राइस कितने हो गए इसकी, डबल से ज़्यादा, अच्छी कंपनी है। तो टाटा टेक्नोलॉजी के एमओए में क्या लिखा होगा कि टाटा टेक्नोलॉजी क्या करती है, बिज़नेस क्या है, सब लिखा होगा, और अकॉर्डिंगली बिज़नेस का पैसा कहाँ यूज़ करते हैं लोग, है ना। तो इसके लिए क्या इशू किया मार्केट में, आईपीओ लाया। आईपीओ लाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कैसे बनेगा, दो टाइप के प्रॉस्पेक्टस होंगे अपने, शेल प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब अपन कंपनी में पढ़ेंगे। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करो, लोगों को बांटो, कितने प्रकार के शेयर्स होंगे, शेयर का प्रूफ क्या होगा लोगों के हाथ में, शेयर सर्टिफिकेट, ये सब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर आई टोल्ड यू यस्टरडे मेंबर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। डिबेंचर्स, कई लोग डिबेंचर बांटते हैं, सुना डिबेंचर ना, डेट है ना, इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, डेट क्या होता है, एक तरह का लोन ही है, बस हम लोन नॉर्मली किससे लेते हैं, बैंक से, वो पैसा अगर आप बैंक से लेके किससे लो, पब्लिक से, तो नाम क्या रहेंगे, डिबेंचर, पब्लिक लोन नहीं बोलते ना, पब्लिक डिबेंचर बोलेंगे। बाकी डिबेंचर लोन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्या हम लोन वालों को इंटरेस्ट देते हैं हर साल, डिबेंचर को भी इंटरेस्ट देते हैं, क्या लोन वालों को कुछ गिरवी करते हैं एसेट, सिक्योर्ड लोन, लोन सिक्योर्ड ही होता है हमेशा, तो डिबेंचर भी सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होता है पर सिक्योर्ड भी होता है। तो डिबेंचर एंड लोन आर वेरी वेरी सिमिलर, जस्ट अ फैक्ट दैट लोन आर टेकन फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ये सब, एंड डिबेंचर्स आर टेकन फ्रॉम पब्लिक, जनरल पब्लिक, तो ये फर्क है। और डिबेंचर लेता कौन है, ये तो मेरा एंगल हो गया, हम एज अ कंपनी, आप डिबेंचर क्यों लोगे, कोई बंदा डिबेंचर या शेयर में क्या चूज करता है, आपसे मैं पूछूं कि आपको, तुम्हारा नाम क्या बोला था हमने, ललित, ललित से मैं पूछूं कि ललित तुमको, आप बाकी सब लोग सोचो, तुमको शेयर लेना है कि डिबेंचर, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, तुम शेयर लोगे डिबेंचर लोगे, ललित, हाँ हाँ ओके, ये क्या, वो नहीं, बैठो बैठो बैठ बैठ के बात करो, टेंशन नहीं अपना, हाँ राइट, आपको लगता है मार्केट रिस्की, कंपनी में डाउनफॉल भी हो सकता है, उससे अच्छा बेटर सेफ रहो, तो सिंपल बात है, इसको सेफ रहना है, मतलब सिंपल, जिसको अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, सोचो जरा, दो आदमी लेता हूँ, एक आदमी जिस, दोनों के आदमी की एज 30 ईयर्स की है, बहुत ईजी एग्जाम्पल लेता हूँ, दोनों की एज है 30 ईयर्स की, है ना, 30 साल का एक आदमी है, दूसरा भी 30 साल का है ना, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, पहला जो 30 साल का आदमी है, उसके फादर है जो डॉक्टर है, मदर है जो इंजीनियर है, नहीं, मदर जो है वो स्कूल में प्रिंसिपल है, फादर डॉक्टर, मदर जो है स्कूल में प्रिंसिपल, और भाई साहब खुद एक इंजीनियर है, और अनमैरिड है, शादी भी नहीं हुई है, शादी भी नहीं है, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप दोनों के दोनों बहुत जम के कमाते हैं, तो केस नंबर वन। केस नंबर टू, 30 साल का आदमी, बट इसके फादर है जो रिटायर्ड है, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, मम्मी है जो घर पे खाना वाना बनाते रहती है ना, बहन है जिसका नाम है कम्मू, जिसकी शादी करानी है ना, लड़के वाले दहेज में मारुति 800 मांग रहे हैं, है ना, और ऐसे में दो बहनें हैं, इसकी बीवी भी है, दो बच्चे भी है, मतलब इस भाई साहब को दो बहनें हैं जिनकी शादी करानी है, दो लड़कियां हैं, दो लड़के जिनको पाल पोस के बड़ा करना है, दो बीवी नहीं, एक ही बीवी काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगी, इतने महंगाई में एक बीवी काफ़ी है, ठीक है, तो एक बीवी, माँ बाप, फादर रिटायर्ड, पेंशन नहीं आती, मदर घर पे बैठ के खुजलियाँ रोटी बनाती है ना, और दोनों बहनें शादी करानी है, दोनों बच्चे उनको पढ़ाना है लिखाना है, और बीवी है, 7 से 8 लाख है, और ये भाई साहब की इनकम भी है महीने की 1 लाख रुपये, इस भाई साहब की इनकम भी महीने की 1 लाख रुपये है, दोनों की एज 30 ईयर्स की, दोनों की इनकम 1 लाख रुपये की, यानी दोनों लोग एक समान हो गए, तो क्या दोनों लोगों की इन्वेस्टमेंट भी सेम जगह जाना चाहिए, नहीं, इसका इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस भाई साहब पहले वाले का शेयर्स में, ये शेयर्स ले रहा है, गोल्ड ले रहा है, म्यूचुअल फंड ले रहा है, फॉरेन, अरे कुछ भी कर सकता है ये, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस लो, सबसे पहले तो इंश्योरेंस लो भाई, तुम टपके तो हमारी फैमिली पूरी खत्म, लिटरल भाषा मतलब मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचे तो उस फैमिली के एंगल से, उस भाई साहब को अगर कुछ हुआ तो सब खत्म हो गया, उसकी बीवी, दोनों बच्चे, दोनों बहनें, शादी वादी कराना, ये सब, अरे सब भटक जाएगा उस भाई साहब को, मैं तो बोलता हूँ पहले क्या लो आप इंश्योरेंस, उसके बाद जो पैसे बचते उसमें सबसे पहले क्या लो डिबेंचर, बैंक में FD करो,
इतू सा अगर जरूरत पड़ती है तो शेयर लो, तो मत बतो तो मत भी लो। तो यानी कि जो अब इन्होंने बोला ललित है, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलाबरेट किया कि इतना आसान नहीं है कि मैं कह लूँ डिबेंचर। मान लो मेरे फादर है, रिटायर्ड होते किसी गवर्नमेंट ऑफिस से, उनको पेंशन मिलती है हर साल की, उस पेंशन को अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ एडवाइस करोगे आप? पेंशन वाले अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करने बोलोगे आप? शेयर में कि डिबेंचर में? डिबेंचर में। एक तो रिटायर्ड आदमी है भाई साहब, बूढ़ा आदमी है, इकलौती अमाउंट आती है, वो भी अगर लगा दी शेयर मार्केट में, अच्छा क्या तो ठीक है, लेकिन उन भाई साहब को अच्छा बुरा नहीं चाहिए, उनको चाहिए भैया आते रहे थोड़ा बहुत, उनकी डिमांड लाइफ की अलग है। और आप जब बनोगे, आपकी सबकी उम्र आज 19-20 साल के आसपास की है, 2 साल में 3 साल में सीएस बनोगे, एकदम यंग, और आप इस कैटेगरी के रहोगे, 23 साल की उम्र, माँ बाप अपना बढ़िया सबसेट है, आप अपनी बढ़िया से जॉब लग गई, कमा रहे हो, आप पहला काम काम क्या करोगे? इन्वेस्ट करो बढ़िया शेयर मार्केट में, आपको टेंशन ही नहीं है, कहानी बदलती है। तो व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिबेंचर, दोनों सही है। कोई पूछे आपसे सर बेटर कौन सा होता है, तो घटिया क्वेश्चन है, बेटर कौन सा है? बेटर कुछ ऐसा नहीं होता है, सब बेटर है। मैं तो बोलता शेयर बेटर, डिबेंचर बेटर, मैं तो बोलता बैंक का एफडी भी, किसके लिए, बस वो फर्क पड़ता है किसके लिए, उस पर फर्क पड़ता है, बात समझो। अब ये भी एग्जाम्पल लिया ना, इस भाई साहब इस कहानी को और लंबा बढ़ाते हैं, 30 साल की उम्र थी, उस भाई साहब ने पहले क्या लिया मेरे बोलने पे, इंश्योरेंस, और लिटरली उसके बाद में मौत हो गई। मौत होने से उसको क्या मिला, उसकी फैमिली को क्या मिला, 50 लाख का क्लेम मिला। अब उसकी वाइफ ने 50 लाख रुपये कहाँ डालने चाहिए? डिबेंचर से भी ज़्यादा मैं बोलता बैंक में एफडी कर दे भाई, डिबेंचर भी अच्छी बात है, लेकिन डिबेंचर भी किसका होता है, किसी कंपनी का। बेटर तो मैं बोलता बैंक में एफडी कर ले, क्योंकि आरबीआई से सेफ्ट है, 1% कम मिलेंगे, लेकिन तेरे को 1% कमाना नहीं है यहाँ पे। तो एक अनमैरिड, सॉरी वो विधवा एक औरत है अभी, वो उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, सोच फील करके देखो आप, उसके पति की मौत हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके पैसे आप आए, और आप वो क्या बोलती है, नहीं नहीं डिबेंचर में 1% ज़्यादा मिलता है। मैडम आपको 1% ज़्यादा चाहिए, आपकी हालत समझ रही है आपको बात की, प्लीज़ पुट मनी इनटू एफडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील करके, फील करना पड़ेगा आपको सिचुएशन को, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कोई फिक्स आंसर नहीं है कि यही करो, आप फट से बदल जाएगा आंसर। गोल्ड लेना है गोल्ड ले लो। अब जैसे आपको पता, जैसे सब इनको पता है कि मेरी 2 बेटी है, एक बेटी की उम्र 10 साल की, दूसरी बेटी 4 साल की है। अब मैं टचवुड लकीली अच्छे से सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ, काम अच्छा कमाता हूँ, तो मैं पैसे क्या करूँ मेरे बेटियों के लिए? इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हर महीने हर साल इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और बढ़िया मैं इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म डाल देता हूँ, सो दैट जब मेरी बेटी 18 साल की हो, बड़ी बेटी, और वो मुझे बोले कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, MS करना है, मेरे से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो फिर मैं उस समय 50 लाख 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा कैसे कहाँ से लाऊँगा? अगर मैं उस समय मेरे पास 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो मुझे आज से क्या करना पड़ेगा इन्वेस्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, तो मैं कहाँ डालूँ पैसा ये वाला? मैं बहुत कमा रहा हूँ, टेंशन वो नहीं है, बट फिर भी मेरे बेटी के एग्जांपल का लिया तो पैसे कहाँ डालना चाहिए मेरे को? म्यूचुअल फंड में कि एक सेफ अमाउंट में, क्योंकि मैंने जो टॉपिक बताया वो टॉपिक कौन सा है, मेरी बेटी की पढ़ाई, मेरी बेटी की शादी। सर यहाँ पे मुझे ये नहीं करना है कि 10 लाख लगाओ 20 लाख डबल हो जाना चाहिए, मेरे को डबल वबल से मतलब नहीं है, 10 का 12 भी चलेगा, बट मेरे पैसे सेफ हो, सो दैट मैं पैसे निकालूँ और मेरी बेटी को क्या करा दूँ, पढ़ाने में भेज दूँ। मैं तो सर कमा रहा हूँ सर, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ और है, डिफरेंट है। हाँ, बट अगर मुझे मेरे घर वाले बोलते कि अगले महीने मार्च में कहाँ जाना है घूमने के लिए, वहाँ चलते बाली, बोला बाली कहाँ जाएंगे भाई, 1 लाख रुपये लगते हैं, मैं दिमाग लगाता हूँ, फट से 50,000 रुपये डालो किस में, शेयर मार्केट में, दिमाग लगाएंगे, 50 का 1 लाख रुपये तो बाली जाएंगे, नहीं हुआ तो बोलेंगे चुपचाप यहीं चलो लाला वाला खत्म, बाली जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो 50,000 रुपये में कहाँ लगा सकता हूँ, शेयर मार्केट में, डबल हुआ तो बाली वाली जाके घूम के आएंगे, नहीं हुआ था तो यहीं में घूम लेंगे कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्जेंसी नहीं है, तो एंजॉय करो, लगा लो पैसा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से क्या डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, कोई रूल नहीं है। इसलिए शेयर भी है हमारे सिलेबस में, डिबेंचर भी है, मैं तो बोलता डिपॉजिट्स भी है, बहुत कुछ है ना, डिबेंचर भी है, देखो यहाँ पे एक वर्ड भी मिलेगा आपको, डिपॉजिट्स वो भी है, सब कुछ है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉफिट बताया मैंने आपको, जैसा अभी इन्होंने बताया ललित ने, कि सर हम कंपनी पैसा क्यों लगाते हैं, प्रॉफिट चाहिए, सबको पालन में प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट मिलना आपका हक है, तो ये भी हमने कल बात की थी, ये हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंट्स ऑडिटर ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो करके बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। तो ये पूरे के पूरा पोर्शन 60 मार्क का है ना, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 60 मार्क का, और हमारा सेकेंड पार्ट कितने मार्क का है, 40 मार्क का, जिसमें सिर्फ क्या बताया जाता है, 2 ही टॉपिक्स, कौन से, कंपनी की मीटिंग्स कैसे होगी, मीटिंग 2 प्रकार की होती है, कौन सी, AGM और EGM, मैं बात कर रहा हूँ जनरल मीटिंग्स की। वैसे तो फिर बोर्ड मीटिंग भी होती है, वो डायरेक्टर में आता है, तो डायरेक्टर कौन होगा, कितने डायरेक्टर होंगे, कुछ नाम सुनोगे डायरेक्टर के नाम, कुछ याद है आपको डायरेक्टर के नाम, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, है ना, तो ऐसे बहुत सारे नाम है। तो वो कौन होते हैं, उनके डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या आप डायरेक्टर बन सकते हो क्या आज,
आपको डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सुना आपने डिन नंबर सुना होगा, हाँ डिन नंबर है क्या आपके पास? नहीं है, यानी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। और क्या रिक्वायरमेंट डायरेक्टर बनने की? सर मैंने 12th फेल हुआ हूँ सर मैं, क्या डायरेक्टर बन सकता हूँ क्या? ये नहीं बोला तो कहाँ लिखा है? नहीं वही मैम, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, अपन सब लॉ पढ़ेंगे। अभी आप अपने सब 12th फेल हो या 12th पास हो, डायरेक्टर का बनने का कोई संबंध ही नहीं है उससे, वो हम पढ़ेंगे आगे। पढ़ाई लिखाई से डायरेक्टर नहीं बनते, तो वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बात है, तो क्या बनने में डायरेक्टर बनोगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोग कवर करेंगे डायरेक्टर्स में। और आजकल एक बहुत फेमस सब्जेक्ट चल रहा है जिसका नाम है CSR। मतलब आप तो इतना बेहतरीन समझ लो कि प्रोफेशनल लेवल पे तो एक पूरा सब्जेक्ट है। मतलब मैं पढ़ाता भी हूँ वो सब्जेक्ट, नीचे में प्रोफेशनल की बैच चलती है ना। अभी इंडिया में आज कम से कम 700 बच्चे मेरे पास, एक महीने में 700 बच्चे रजिस्टर हुए फॉर CSR सब्जेक्ट, नया नया लॉन्च हुआ है CSR। और CSR इंडिया में सबसे अपकमिंग है ना। वट इज CSR फुल फॉर्म तो सब ठीक मालूम है, लेकिन CSR क्या है? आई एम नॉट आस्किंग फुल फॉर्म ऑब्वियसली। क्यों 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 खर्च करना है? बात तो मैं तुमको पढ़ाऊं भी इंस्पायर अकेडमी, और पढ़ाने के बाद तुम्हारे CSR भी करूं, काहे के लिए करूं? बैठ बैठ गया से। कंपनी जाती है ना, लेकिन इन्होंने बोला 2% लॉ ने बोला है कि वो स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? मेरे को नहीं नाम बनाने का अपना, फिर तो ऑप्शन बनाना चाहिए। आपका जो आंसर है उसके हिसाब से तो क्या लग रहा है, ये इच्छा के हिसाब से, बट इच्छा के हिसाब से नहीं है तो 2% बोला गया है। हाँ वो ठीक है, हाँ मैं बोल रहा हूँ क्यों करना है 2% में क्यों? मैंने अगर 100 करोड़ कमाए है तो मैं 100 करोड़ का 2% यानी 2 करोड़ रुपए मैं CSR में क्यों स्पेंड करूँ? मेरे को ये पूछना क्यों, हाँ ये मुझे जानना है। पहला, अरे बापरे, हाँ पहला तो रीज़न क्या है, कंपनी अर्न कहाँ से करती है? पब्लिक से। दूसरा, अर्न कैसे करती है? समाज को हम पहुंचा के, नहीं सेल वेल तो ठीक है ऑब्वियसली बात है, हम पहुंचा के। जैसे आप हम आपको टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर हम आपको नोट्स दिए होंगे, ये नोट्स कहाँ से बने, ये पेपर कहाँ से आया? वुड से, यानी कि पेड़ कटे होंगे। इंस्पायर अकेडमी ने आके पेड़ नहीं काटे बैठ के, बट हम लोग है ना। लेकिन क्या हम जिम्मेदार है देश में पेड़ कट रहे हैं? इतना सा जिम्मेदार बात समझ में आ रही है? अगर हम लोगों को पूरी इंडिया क्लासेस ले रहे हैं, पूरे इंडिया के लोगों को पुणे बुला रहे हैं, पुणे में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सिचुएशन खराब हो सकती है, पॉल्यूशन फैल गंदा फैल रहा है, क्या हम इतने से जिम्मेदार हैं? यस। मोबाइल रेडिएशन यूज होता है, आपने रोबोट 2.0 देखा होगा, रोबोट मूवी अक्षय कुमार वाली, उस मूवी में मेन क्रक्स क्या था कि भाई कि मोबाइल के रेडिएशन से पक्षी मरते ही से मरते हैं, नुकसान होता है। अच्छा आपको पता है इंस्पायर के इसमें गणपति भी बैठाते हैं हम लोग, बहुत फेमस एक्टिविटी गणपति बैठाते हैं। तो गणपति क्या होता है, कहाँ विसर्जन होता है? पानी में, पानी के अंदर के जीव जंतु मरते हैं, लाइफ अंडर वाटर, क्या जिम्मेदार है हम लोग? इंस्पायर बोल छोड़ो, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी कोई भी अगर मैं भी एग्जांपल डालूँ, सबसे इम्पोर्टेंट घर में क्या आती है, बिजली आती है। बिजली कहाँ से बनती है? थर्मल पावर प्लांट से। इसका फोटो देखो आप, कोई पावर प्लांट देख लो, ये क्या कर रही है? धुआं। अब देख लो कोई भी पावर प्लांट देख लो, मैं एक इमेज, मैं कुछ नहीं कर रहा आपके सामने, जो भी बड़े बड़े फोटो देखेंगे आप, जो भी बड़े बड़े फोटो देखेंगे आप, ये सब के सब क्या फैला रहा है? धुआं, पॉल्यूशन, और उससे क्या बनती है? फिर बिजली बनती है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको, वो लकड़ी की जगह वो कोल की जगह क्या जलाओ? गन्ने का भूसा जलाओ। अरे भाई जलाओ भी तो, जलाओगे भी तो क्या होगा? धुआं, इलेक्ट्रिसिटी तभी तो बनेगी। और ये बनाने के लिए हमने पॉल्यूशन फैलाया, गाड़ियाँ, कार, सबके पास 2-व्हीलर 4-व्हीलर होगी, कौन सी जो भी गाड़ी होगी, क्या पॉल्यूशन फैलता है उससे? अभी धीरे धीरे ईवी चल रहा है, अभी ईवी आ रहा है, बट ईवी आने के पहले टाटा मोटर्स, महिंद्रा सब लोग गाड़ियाँ की गंदगी फैलाते कि नहीं फैलाते? yes. हर कंपनी समाज को प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करती है? पहले बात समझिएगा, शुरू वहाँ से होता है, सोसाइटी को आपने कहीं ना कहीं हर्ट किया है, हार्म किया है, नुकसान पहुँचाया है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, और प्रॉफिट किससे कमा रहे हो? जनता से, उनको ही चोट पहुंचाकर। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सर कुछ तो क्या करो आप। इसलिए ध्यान रखना CSR में अगर मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ है तो क्या 2% 2 करोड़ मुझे क्या करना है, डोनेट करना है कि स्पेंड करना है?
तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोनेट का मतलब चैरिटी नहीं करना है जाके 2 करोड़ फेंक के आके टाइप, ऐसा मत करो। उत्तर रुपये का क्या करो आप, एक्टिविटी, जैसे कि आप ट्री प्लांटेशन करो, पेड़ लगाओ, प्लांटेशन करो, बच्चियों को पढ़ाने के एजुकेशन वाले सेक्टर चालू करो, हेल्थ वेल्थ पॉवर्टी हटाने के लिए कुछ एक्टिविटी, पूरी लिस्ट है शेड्यूल 7 में, ये सब एक्टिविटी आप शुरू करो। लोगों को क्या करो, हेल्प करके दो, पैसे स्पेंड करो, पैसे स्पेंड करो, डोनेशन नहीं करना है, चैरिटी बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। आपको पैसे क्या करने हैं, स्पेंड। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों वर्ड्स को तोड़ के देखो, कॉरपोरेट लॉ पढ़ रहे हो तो कॉरपोरेट आ गया, समाज के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे फेंकने नहीं जाके, ये 2 करोड़ रुपए ले लो चलो, अरे चलो क्या एहसान कर रहे हो आप। हमने आपको क्या बोला है, तुमने जो नुकसान पहुंचाया देश को उतना उसको कॉम्पनसेशन करो, क्या करके, तो अगर आपके जैसे नदी नाले गंदे हो रहे हैं तो नदी नाले को क्या करवाओ, साफ कराओ, क्लीनलीनेस वो आप करवाइए, स्वच्छता अभियान में हेल्प करिए। जो भी आपके पॉइंट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे जाके, इस पर सब्जेक्ट बना भाई, सब सब्जेक्ट बनाए 100 मार्क का, अभी नहीं प्रोफेशनल में। और इसके लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव में क्या कर दिया, आपके लिए एक नया टॉपिक ऐड कर दिया, क्योंकि इनका मानना है कि आपको ये सब्जेक्ट आगे पढ़ना चाहिए। और आप बताओ सोने की सुहागा है ना, सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों भी आएगा, ICSI भी चलते हैं इसके बाद, ये वेबसाइट के नीचे में यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा सा एक ये मिलेगा टैब, फुल फॉर्म क्या है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर, ये क्लिक करते बराबर आप यहाँ पर क्या बन सकते हो, सोशल ऑडिटर है ना। और आपको अच्छे दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते है ना, ये हो गया सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आया हाँ जी, प्लीज सी दिस एग्जामिनेशन, ये मेरा नाम है सारा, ये मेरा फोटो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये मेरे डिटेल्स है सारे, इफ आई शो यू अबाउट माई एग्जामिनेशन है ना, कैन यू सी दिस सोशल ऑडिटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, 28 मई को मैंने ये एग्जाम दिया था, बता से 6 महीने पहले, एंड आई एम अ सर्टिफाइड सोशल ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम CS, मैं कौन हूँ, एक सोशल ऑडिटर, क्या मतलब इस ऑडिटर का, मैं क्या करता हूँगा, मेरे पास 2-3 काम हो गए मेरे अब तक के, मैं क्या करता हूँगा, एनी गेस, CSR कंपनी स्पेंड करती है, अब क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने देखा कुछ सालों में, कंपनी CSR भी क्या करती है, स्पेंड करती है, स्पेंड करने के लिए क्या किया उन्होंने, पेड़ लगाए, पेड़ लगाए, पेड़ लगा दिए, नेक्स्ट डे घर आ गए, परसों गाय बकरी गई खा के आ गई, तुमने क्या बोला सर CSR किया, सर तुमने CSR किया, कि CSR तो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, CSR कब होगा, जब वो पेड़ उगे, छाव दे, फल दे, फूल दे, ज्यादा कुछ दे तो ऑक्सीजन दे भाई, पेड़ क्या लगाया था आपने, नहीं सर तुषार आप लॉ ने बोला ना करके आओ, हम करके आ गए सर 2 करोड़ 2 करोड़ अभी फूक के आ गए, तुम स्पेंड नहीं किए, तुमने फूक दिए, हो तो रहा है उसका परिणाम मिलना चाहिए, इम्पैक्ट हो तो रहा है, वैसे ही हुआ है, आपने बात की थी मैं 10,000 पेड़ लगाऊंगा, आपने 12,000 पेड़ लगाए, पर पेड़ लगाना काफी नहीं है, पेड़ लगाने के उसको हमेशा पानी देना, उसको सेव करने के लिए ट्री गार्ड लगाना, ये सब कौन करेगा भाई, ऐसे ही तो भूल गए हम, तो फिर क्या मतलब हुआ CSR का, तो हमको एज अ ऑडिटर मैं क्या करता हूँ, उस CSR एक्टिविटी को जाके क्या करते हैं हम लोग, ऑडिट करते हैं कि जो कमिटमेंट थी वो पूरी हुई कि नहीं, और क्या उसका रियल में लोगों के माइंड में लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया क्या। अभी से मैं रिसेंट में काम दिख रहा था, अक्टूबर में काम चल रहा था हमारा, एक गांव में एक कंपनी ने क्या किया, 1,000 नहीं 4,000 गाय, गाय कौन सी गाय, जो थोड़ी सी बुजुर्ग हो रही है या जिसके दूध देने की क्षमता खत्म हो रही है, फर्टिलिटी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो जो गाय अच्छी है लेकिन दूध नहीं दे रही है, क्योंकि गाय के लिए दूध देना बहुत बड़ा एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं अपन, ठीक है, तो अच्छा था, तो हमने क्या किया, हमारी कंपनी ने सोचा कि अपन 4,000 गाय क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, आसपास की जगह से गाय उठाई सस्ते रेट में, क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, तो वैसे भी गाय की वैल्यू देखो, एक इमोशन हो गया, हमारी गाय हमारी माता है, ये सब हो गया एक तरफ, इधर धंधे वाइज गाय से कुछ मिल नहीं रहा है, तो गाय की वैल्यू कम हो गई थी बहुत, तो गाय को हमने क्या किया, फार्मरों से मतलब गौशालों से उठा लिया, कितने रुपये में, कम रेट पर, फिर उसको कहाँ लेके जगह चले गए, एक प्रॉपर बहुत बड़ा सा क्या बनाया हमने, फैक्ट्री बनाई, वहाँ पर हमने 4,000 गाय को रख दिया, हमने नहीं किया, मैं जाके ऑडिट किया, रखा किसने सब कुछ, उस कंपनी ने, फिर वहाँ से क्या किया, उनको न्यूट्रिशन दिया प्रॉपर, खाना पीना खिलाया, वाइल्ड लाइफ भी नहीं आएगी, एनिमल लाइफ को वेलफेयर करना CSR का एक एक्टिविटी वो कर दी, प्रॉपर खाना खिलाया, प्रॉपर चारा दिया, प्रॉपर इंजेक्शन कर दिया, 1-2 महीने में उनकी हालत बिल्कुल हष्ट हष्ट एकदम बढ़िया हो गई, अब वो दूध देने लग गई, दिन भर में 2-50 लीटर दूध आ रहा है एक गाय से,
हजारों गायों से दूध आ रहा है लाखों लीटर में, वहाँ के फार्मरों को क्या काम मिल गया? दूध बेचने का। दूध के साथ साथ काम क्या शुरू हो गया वहाँ पे? दूध के प्रोडक्ट बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध से दही बन रहा है, पनीर बन रहा है, घी बन रहा है, मक्खन बन रहा है, वो बिक रहा है। फार्मर की इनकम बढ़ने लग गई, वो खुश। गायों की वाइल्ड लाइफ, गायों की लाइफ बढ़ गई, वो खुश। वो गाँव में जहाँ पे ये नहीं था, रास्ता नहीं था, अब रास्ते बनने लग गए, डेवलपमेंट। भाई साहब एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप देखो कितना मजा आया। नहीं, गाय ने खरीदा किससे? गौशालों से, एक जगह लगवाया। और जिस गांव में, अच्छा मैं आपको, अच्छा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछा तो मैं बता दूं, मैं ये कहानी कहाँ की? नागपुर की है। नागपुर मतलब विदर्भ में आता है। विदर्भ इंडिया में सबसे ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी नहीं होता है, सूखा होता है। वहाँ पर फार्मर के पास खेती करने की जगह बहुत है, लेकिन खेती करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है। उस खेतों में उन फार्मर को बोला कि आप गायों को क्या करो, संभालो। तो आप जो इनका क्वेश्चन होता है, सर फार्मर का फायदा कहाँ? गाय तो खरीदी कंपनी ने, फार्मर का फायदा कहाँ हुआ? कंपनी खरीद के किसको हैंड ओवर कर दिया? उन गांव के एक फार्मर को, एक एक, एक पूरे ग्रुप को, पंचायत को। पंचायत में 100 लोग थे, सबने मिलकर किसको हायर किया? वहाँ के फार्मर लोगों को। फार्मर को काम दिया, वो काम से वो दूध निकाला उन्होंने, वो दूध बेचा उन्होंने। पूरी इनकम किसकी है? ये कंपनी की, खेत की है, ये गांव की है, वो गांव की। ये कंपनी का कोई इनकम नहीं है। वही तो सबसे बड़ा कैच है जो आपको नहीं लग रहा है। आप इनको क्या लग रहा है? सर 4,000 गाय किसने ली? कंपनी ने। तो कंपनी ने खुद के लिए ली, सब कुछ कंपनी का बिजनेस है। कंपनी दूध का बिजनेस नहीं कर रही है, गाय उठाकर किसी फार्मरों को दे दिया जाकर। अब वो फार्मर क्या करेंगे? क्योंकि वो नॉर्मली अपने खेत में क्या नहीं कर पा रहे हैं, खेती तो हो नहीं रही है, सूखा पड़ा है, कम से कम उन्होंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। और फार्मर को क्या मिलने लग गया? अब दूध निकाल रहे वो लोग, वही दूध बेच रहे हैं, तो उनको इनकम बढ़ रही है। तो वो जो गांव है उसके आसपास की इनकम क्या हो गई? उनकी बढ़ गई। एक भी रुपए का इनकम किसको नहीं मिल रहा है? कंपनी को। उल्टा कंपनी ने सिर्फ क्या किया? गाय खरीदने का खर्चा किया। अरे CSR में खर्चा करना होता है, और सिर्फ गाय खरीदने का खर्चा नहीं किया, गाय को क्या खिलाना है? चारा, चारा न्यूट्रिशन, वो खर्चा कौन करेगा? कंपनी। शेड बनाया, कंपनी। ऐसा कहा कि कंपनी ने जो स्पेंड किया, वो स्पेंड का अमाउंट कितनी निकली? पूरे कंपनी के प्रॉफिट का वो बराबर दिया उसने, है ना, वो उसने बराबर स्पेंड किया। और उसके बाद कंपनी ने उसको हेल्प किया। देखो CSR पोर्टल, बहुत बड़ा वेबसाइट बनी हुई है CSR पोर्टल की। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इंडिया में 20,000 कंपनियां हैं जो 26,000 करोड़ का क्या कर रही है? CSR कर रही है। आप कोई भी कंपनी देखोगे बड़ा, सबसे ऊपर में नाम रिलायंस का आता है, रिलायंस इंडस्ट्री। इसको क्लिक भी करेंगे तो बाजू में एक पेज खुल जाएगा, ये देखो कंपनी ने कहाँ कहाँ काम किया। कोविड रिलीफ एक्टिविटी में, मेडिकल रिलीफ एक्टिविटी में, फिर ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी। अब कई गांव में पानी बहुत होता है लेकिन पानी पीने लायक नहीं होता है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या बना दिया? वाटर प्यूरीफायर। पानी वहाँ पे क्या होता है? प्यूरीफाई होता है, साफ होता है। फिर साफ पानी कहाँ तक पहुँचता है? लोगों के घरों में पहुँचता है। कंपनी भी खुश, लोगों को पानी भी कौन सा मिल रहा है? ड्रिंकिंग वाला प्यूरीफाइड वाटर। आई एम नॉट सेइंग मिनरल वाटर, प्यूरीफाइड वाटर तो मिल ही रहा है ना। फिर प्रोग्राम स्कॉलरशिप मिली बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, प्राइमरी स्कूल डेवलप करी। सुना होगा आपने आंगनवाड़ी, पॉइंट नंबर 6, आंगनवाड़ी स्कूल्स वो बनाने की शुरू करी। रिलायंस ने फाउंडेशन स्कूल बनाया अपने, प्रमोटिंग एनवायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कल्चर मतलब अपना सभ्यता, सब वो सब डेवलप किया। इतनी लंबी लिस्ट देखो आप क्या क्या किया इन्होंने, कितनी लिस्ट इन्होंने करी देखो, और कितना स्पेंड किया इन्होंने, कितना स्पेंड किया इन्होंने। प्रोजेक्ट का खर्चा था 1100 करोड़ का, इन्होंने अब तक 922 करोड़ खर्च कर दिया। इतना रुपया, 922 करोड़। अब सोचो जरा इसका काम ये कर रहे, ये लोग बातें तो कर दिए, अभी सच में हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए काम कौन करेगा? हम लोग, आप लोग, फ्यूचर में आप लोग। सोचने की बात है, बहुत खतरनाक प्रोफेशन है ये। आप लोग अगर ये भी एरिया पकड़ लिया लाइफ में ना, तो करोड़ों रुपये कमा सकते हो, करोड़ों रुपये कमा सकते हो। क्योंकि जहाँ पे कितना स्पेंड हो रहा है, 922 करोड़ का, उसमें अगर आपने 0.1% भी मांगा अपनी फीस, तो भी कितने पैसे कमा सकते हो आप, सोचो। अब वो अलग बात है, रिलायंस का काम आपको डायरेक्टली डे 1 पे नहीं मिलेगा, बट एग्जांपल समझो आप बात को, स्कोप देखो आप कितना स्कोप है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में आ रहा है, आने वाला है। और इसके लिए CSR नाम का एक पूरा क्या बना दिया इन्होंने, ICSI ने एक प्रॉपर चैप्टर दी, कितना स्पेंड होगा वो तो आपको बताइए, 2% वगैरह, बट कौन सा एक्टिविटी होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है कौन सा एक्टिविटी में। और जितना आपको मैंने लंबा ज्ञान दिया ना, वो ज्ञान का वर्ड ये वाला है, इम्पैक्ट असेसमेंट। दो वर्ड पे तरह गौर करो, समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, प्रभाव, इम्पैक्ट। इतने जो तुषार ने बकर करी है, मालूम पड़ता है फार्मर तो मर ही रहे अभी भी,
फार्मा को सर कुछ भी मिल रहा है, तुषार सर ज्ञान तो बहुत अच्छा दे दिया सर, अच्छा लगा सर हमको, गाय भी बै वो सब मालूम पड़ा। अरे मालूम पड़ा सर, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे, तो फिर तो इम्पैक्ट जीरो है ना। तो वो इतना बड़ा जमीन पे आपने क्या गड्ढे खोद खोद के क्या लगा दिए, 10,000 पौधे, मालूम पड़ा 2-4 दिन 10 दिन में मालूम पड़ा वो सब पौधे सूखे पड़े, वो पूरे बंजर जमीन है, कितना इरिटेटिंग हो रहा है सोचो। अच्छा आपने हाईवे बनाया, रास्ते बनाए, किसके नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, रास्ते जहाँ पे बनाए वहाँ पे लोगों के घर थे, खेत थे, वो आपने क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। पढ़ा होगा आपने टैक्स पे, एक वर्ड होता है एक्विजिशन ऑफ लैंड, एंड द गवर्नमेंट गिव्स कॉम्पनसेशन टू द पर्सन। आपने लैंड भी ले ली, फ्लाईओवर भी नहीं बनाया, हाईवे भी नहीं बनाया, और भाई साहब को जमीन भी दी नहीं, कितना दिमाग खराब होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। तो इरिटेशन होता है, और ये सब देखने के लिए मालूम पड़ा सर, जो आप बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, उसके लिए हम जाएंगे और जाके क्या करेंगे वहाँ पे, इम्पैक्ट असेस, असेस करना मतलब पता लगाना, असेसमेंट पता लगाना, विल गो अनुमान लगाना, प्रॉफिट वो ऑडिट करना, ऑडिट करेंगे जाके पता लगाएंगे सर कि कंपनी कितना स्पेंड किया, कहाँ पे स्पेंड किया, उसे क्या हुआ क्या नहीं। बहुत ज़ोरदार सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये बताएगा। और आखिरी में हम लोग KMP ये सब हम लोग कवर कर रहे हैं अच्छे से, तो वी हैव कवर्ड मल्टीपल एग्जाम्पल्स फिर से आज के दिन में, ठीक है। तो ये सब बातें हमने कवर करी इनिशियली, मैं आपको सब सब्जेक्ट का पूरा, कल हमने बात करी अबाउट ICS से क्या एक्सपेक्ट करता है, हाँ मेरे बारे में बता दिया तो मैंने आपको, और पेपर कैसे आता है। आज हमने पूरा डिस्कस किया सब्जेक्ट में, एक एक वर्ड अच्छे से खोल खोल के बताया मैंने कि पढ़ना क्या क्या है पूरा, मतलब भले ही आज का एक घंटा लग गया होगा पर आपको हर चैप्टर मालूम पड़ गया, बहुत बड़ा सिलेबस है, बट टेंशन मत लो। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देखो ना, हर चीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ मेरे, आपको एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगेगी जो आपको अभी भले आपको पसंद नहीं आएगा स्टार्टिंग में, कई लोगों को कंपेरिजन हो सकता है सर हमने वहाँ से पढ़ा था तो ये वो, थोड़ा टाइम लग सकता है एडजस्ट होने में, बट आपको हर एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल टच, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब MOU दिखाना है, इन्फोसिस लेके चला गया, कोई एग्जाम देना CSR का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चला गया, अभी कुछ बताना था वेबसाइट खोल दी CSR की, कुछ भी करना हो फट से क्या खुलेगा अपना, गूगल वेबसाइट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मेरे तजुर्बे जो मैंने अपने कई करियर में किए हुए हैं, मैं CS बन के मेरे साथ क्या क्या हुआ, कई सारे कंपनी में मेरा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे में बुरे एग्जाम्पल्स हैं। जब मैं 22 साल की उम्र में था, नया नया CS बना था, मेरी एज 22 साल की थी, तब मैं उस कंपनी में जाके लॉ फॉलो कर रहा हूँ और वहाँ के लोग लॉ फॉलो नहीं करते थे, आपकी बुक में लिखा कुछ और है, जो लिखा रहता है वो होता नहीं है। जैसे एक डेमो देता हूँ जाते जाते, एक एग्जाम्पल था मेरे कंपनी में चेयरमैन, आप अभी रूल नहीं पढ़े होंगे, सेक्शन 104 सेक्शन क्या बोलता है, चेयरमैन कब आना चाहिए मीटिंग में, किसी सुना होगा क्या, नहीं सुना होगा ना आपने, 104 सेक्शन कंपनीज एक्ट सुनो, देख ही लो अच्छे से, ठीक है ना, चेयरमैन आना चाहिए विद इन 15 मिनट्स, ठीक है ना, चेयरमैन जो होता है वो मीटिंग में 15 मिनट के अंदर आना चाहिए, यहाँ पे सब लिखा रहता है प्रोवाइडेड वगैरह वगैरह करके, चेयरमैन आता मीटिंग, आर्टिकल अगर कुछ बोले तो चेयरमैन शुड बी देयर विद इन 15 मिनट्स फ्रॉम द टाइम, वो उस समय पे वहाँ पे मीटिंग में पहुँच जाना चाहिए, बराबर। और वो नहीं आया तो फिर क्या होगा, कोई दूसरा बंदा क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। अभी कंपनी का मैं CS था, उस कंपनी के चेयरमैन साहब कब आए, आधे घंटे के बाद आए, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सर इसका चेयरमैन हमको नया बनाना पड़ेगा। मतलब जो सोचे देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं CS हूँ, मुकेश अंबानी कब आता है, मीटिंग आधे घंटे के बाद, अब मैं क्या बोल रहा हूँ मुकेश अंबानी के सामने, सबके सामने, वी शुड चेंज मुकेश अंबानी, वी शुड अपॉइंट न्यू चेयरमैन, बिकॉज एज पर सेक्शन 104 द चेयरमैन शुड बी प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स, इफ नॉट देन वी नीड टू अपॉइंट अ न्यू चेयरमैन। ये जितना पढ़ने में आसान लगता है उतना रियल में फॉलो करना आसान है क्या? जैसे मैंने वो बोला था जिस कंपनी में भी, उसने बोला कि भैया तुषार तू मुझे निकाल गया मेरी कंपनी से, इसका लेटर बनाओ, रेजिग्नेशन लेटर, फट से बोला उसने अपने आदमी को, वो भाई साहब लेटर बना दिया मेरा रेजिग्नेशन लेटर, तुषार को निकालना है बाहर। बिकॉज मैंने क्या बोला कि चेयरमैन ये नहीं रहेंगे आज किसी कंपनी में जिसकी कंपनी है, वो मीटिंग में कब आया, आधे घंटे बाद, तो मैंने बोला वो चेयरमैन नहीं, कोई और चेयरमैन रहेगा। मेरी गलती क्या आती, मैं लॉ पढ़ के फॉलो कर रहा हूँ, बट आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल में लॉ रियल में फॉलो उतना अच्छे से नहीं हो सकता, लॉ को फॉलो करना है बट कई बार तोड़ना पड़ता है, कई बार लॉ में ट्विक करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, वही सब देखा जाएगा आपके एग्जाम में, वही सब चेक करेंगे आपका ICSI वाले, जो बंदा ये लिख के आएगा इफ चेयरमैन शुरू करते विद इन 15 मिनट्स, नहीं तो फिर नया अपन करो, अरे तो बुक में लिखा हुआ है जिसे मज़ा नहीं आया आपको, फिर ऐसा CS एडवाइस क्या किया आपको, बताना है उसका वे आउट, ऐसा करना वैसा करना, क्या करने से सारा फायदा हो सकता है, ये सब आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हर जगह बताऊंगा कि क्या होने पे क्या होगा, कैसे होने पे कैसा होगा, ठीक है ना। चलिए, सो मंडे से भी स्टार्ट एट 8:30 AM जैसे मैंने बताया था आपको, एवरीवन ध्यान रखना, ऑनलाइन वाले भी
सबको क्लियर है ना? फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट एट 8:30 AM और उसके बाद फॉलोड बाय फिर 9:30 आपका SBIL है, 10:30 आपका GIGL है एंड 11:45 आपका FM है। मतलब आप 1 PM के अंदर आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना? 1 PM तक आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना? तो मंडे से 4 दिसंबर से आपका टाइम टेबल इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना? चलेगा, बाकी तो हम आपको ग्रुप पे बताई देंगे। बाकी कैसा लगा आपको बेटा सबको बता दीजिए वीडियो एक बारी एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट इट गिव्स अ मोटिवेशन टू वी पीपल कि कैसा लगा सेशन एंड जरूर बताइए चैट बॉक्स पे कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, ठीक है ना? यस यस यस।